जय श्री राधा माधव, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गीता प्रेस पत्रिका से पूज्य श्री सेठ जी के प्रवचनों से आज सेठ जी कह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में भी अपने सुख की दृष्टि से किसी वस्तु का सेवन करना उचित नहीं है। यदि किसी चीज़ को चार आदमी खरीद रहे हों तो रुपए वाले को बीच में पड़कर उसे स्वयं नहीं खरीदना चाहिए। घर में पांच फल आए तो पहले अतिथि अभ्यागत और घर के अन्य व्यक्तियों को खिलाकर पीछे गृह स्वामी को खाना चाहिए और उसके बाद गृह स्वामिनी को। यही यज्ञ शिष्ट है, यह अमृत है। जो स्वाद के लोभ में पड़कर पहले स्वयं खाता है वह अमृत के भ्रम में विष सेवन करता है। बलि वैष्णोदेव का भी यही रहस्य है। ऐसा ही नियम साधु संन्यासियों के लिए भी है। जब रसोई घर का धुआं बंद हो जाए उस समय उन्हें भिक्षा के लिए जाना चाहिए, जिससे कि उनके निमित्त से गृहस्थ को अलग भोजन ना बनाना पड़े। उस समय भी यदि किसी द्वार पर पहले से दूसरा भिक्षुक खड़ा हो तो वहाँ ना जाए। ऐसा ना हो कि दोनों को देने से फिर गृहस्थ के लिए अन्न की कमी हो जाए। इन सब नियमों में शास्त्र का लक्ष्य क्या है उस पर विचार करना चाहिए। इन सभी में स्वार्थ त्याग की भावना भरी हुई है। यदि कोई चीज बांटकर खानी हो तो उसमें भी अपने लिए अधिक रखने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग मुख से तो कहते रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, परंतु चित्त से एक एक तिनके को पकड़े रहते हैं। यह कहने का त्याग भी अच्छा है, परंतु वास्तविक लाभ तो सच्चे त्याग से ही होता है। इस प्रकार कहने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ तो वे ही हैं जो समय पड़ने पर अपना सर्वस्व प्रभु के लिए निछावर करने को तैयार रहते हैं। जो सच्चे दानी होते हैं उन्हें तो दान देने का कोई अभिमान रहता ही नहीं। कहते हैं किसी दानी के दान की प्रशंसा की गई तो वह रोने लगा। उससे रोने का कारण पूछा गया तो वह बोला, धन उसका देने वाला वह, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। लोग मुझे दानी कहते हैं, भला मैं उसके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। अतः यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो वास्तविक त्याग कीजिए, हृदय से अपना सर्वस्व प्रभु को समझिए, प्रभु के लिए ही सारे काम कीजिए। ममता अहंता और आसक्ति को जड़ से उखाड़ डालिए। इस प्रकार यदि आपकी सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए ही होंगी और आप अपने तन मन धन सबकी सार्थकता प्रभु की प्रसन्नता में ही समझेंगे, प्रभु की प्रसन्नता के लिए उनके त्याग में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे, तो प्रभु को विवश होकर आपकी खुशामद करनी होगी। ऐसी बात होने पर भी आपको तो प्रभु की ही प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए। उनसे अपनी खुशामद कराने की इच्छा रखना भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है। जय श्री राधा माधव।